हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजी स्टडी पे। आज है 12 जून और आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निसावा गोदरेज कंज्यूमर्स की MD और CEO, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के MD और CEO विवेक गंभीर 30 जून 2020 को पद छोड़ देंगे। निसावा गोदरेज कार्यकारी अध्यक्ष अतिरिक्त भूमिका निभाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 21 में 5% कम होगी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उभरते बाजारों में S&P ग्लोबल रेटिंग का फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म। लॉकडाउन फटीज इमरजेंस नामक एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। DMK विधायक जे अनवजगन की कोरोना वायरस से मृत्यु। कोरोना वायरस से संक्रमित DMK विधायक जे अनवगन का जून 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। ये द्रविड़ आंदोलन के मजबूत नेता थे। 3 बार विधायक रह चुके हैं और तमिलनाडु कुमार मरने के कारण उनकी 307 लोगों की मिलकर तमिलनाडु में मृत्यु हो चुकी है। कैथी महासागर का गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर्स द्वीप तक पहुँचने वाली पहली महिला भी हैं। वो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। डॉक्टर सुलवन को अंतरिक्ष में चलने के एक समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहला व्यक्ति भी बनाता है। क्या नाम है इनका? कैथी। कहाँ के हैं ये? केंद्र ने राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटन किए। केंद्रीय कृषि विकास कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। PMKSY PDMC सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी ड्रिप और स्केल सिंचाई प्रदान माध्यम से खेत में जल स्तर को ऊंचा करने के लिए बनाया गया है। तेलंगाना ने चालू हुआ 270 मेगावाट का थर्मल प्लांट। वेल ने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्रांद्री थर्मल पावर परियोजना 270 मेगावाट की थर्मल इकाई की सफलतापूर्वक संचालन किया। राज्य में कोडागुडेम जिले में मनुगुरु में स्थित यह परियोजना में तेलंगाना राज्य की विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भेल को प्रदान किया गया है। इसमें 4 थर्मल सेट लगाए गए जो कि एक से हमें 270 मेगावाट की बिजली मिले। सावित्री राठौर उड़ीसा हाई कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की। अंतरिक्ष सरकारी अभियंता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह अमिया कुमारी पाथी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। 22 जनवरी 2002 को सुप्रीम SC कॉलेजियन के राठौर के उत्थान के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट में प्रस्ताव को मंजूरी दी। DICC ODI विश्व कप 2021 भारतीय बधिर क्रिकेट टीम DIC 19 से 29 अक्टूबर कहाँ होने वाली? UAE में 2021 में भाग लेने के लिए तैयार है भारत। और ये भारतीय बधिर क्रिकेट संघ इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के तहत टीम को दक्षिण अफ्रीका के डेफ ICC के टूर्नामेंट में हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। जावेद इकबाल बानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने? जावेद इकबाल बानी। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरजुजिया का निधन हो गया। जून 2020 में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरकुंजिजा का निधन हो गया है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2020 में वो श्री नरकुंजिजा पद छोड़ने वाले थे। 2015 में उनकी तीसरी बार कार्यकाल संभालने की घोषणा देश को अराजकता फैला दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध के खिलाफ अध्यादेश जारी किया। गोवध के लिए 1 साल के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना अगर किसी कोई गाय की हत्या करता है तो।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्ययनम अध्यादेश 2020 में एक प्रावधान के अनुसार अधिकारियों को अपने पड़ोस या अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अभियुक्तों की पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों को जुड़ने के लिए पोर्टल में कर्मोभूमि का उपयोग कर सकते हैं। कर्मोभूमि.nltr.org के माध्यम से लोग अब बंगाल के आईटी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। एशियाई शेरों को आबादी 29% वृद्धि। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्ष में 29% बढ़ गई। 2015 में 523 और 2020 में 674। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों का विवरण 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर में 36% बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। एशियाई शेर सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों में 30,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार से मौजूद, जिसे एशियाई खेलों का प्रदेश कहा जाता है। डीप सबमर्सन रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम में 10 जून 2020 से डीप सबमर्सन रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। ये DSRV कॉम्प्लेक्स को नव तैयार सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ DSRV परिसंपत्तियों को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए, एक समायोजित करने के लिए डिजाइन दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने लगाया ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं से तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, पूरे राज्य में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश करेगा ट्रू नेट मशीनों को कमीशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 को अब तक सभी 57 जिलों में ट्रू नेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया। ये मशीनें राज्य में पहुँच रही हैं और इन मशीनों की मदद से परीक्षण की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तत्काल कोविड-19 परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए ट्रू नेट मशीनों को खरीद की गई है, जो अस्पतालों के मरीजों को इलाज जल्द शुरू करने में सक्षम रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। सरकार ने 2020-21 में दौरान मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की भी बात की है। बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक में MCLR को कम किया दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सभी तथ्यों में अपने धन आधारित उधार दरों को सीमांत लागत से कटौती की घोषणा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR की 15 आधारित अंकों की कटौती 12 जून 2020 से प्रभावी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 9.5% दर से बढ़ेगी। वाओ। फिच एजेंसी रेटिंग ने अनुसार चालू वित्त वर्ष में संकुचन के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज विकास दर के साथ वापस आने की उम्मीद है। और चालू विकास दर में घरेलू उत्पादन 5% संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा है। फिच ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की GDP वृद्धि BBB श्रेणी के साथ ही तुलना में उच्च स्तर के लौटने की संभावना है। टेलीविजन अभिनेता रागेश मुकाती का निधन हो गया। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता गुजराती अभिनेता राजेश मुकाती का निधन हो गया। अमित और श्री गणेश जैसे शो में काम किए माने जून 2020 में उनका निधन हो गया। रूसी उच्च जंपर सस्टो पर डोपिंग प्रतिबंध। 2010 में यूरोपीय चैंपियन रूसी उच्च जंपर अलेक्जेंडर सस्टो को डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 2017 प्रतियोगिता में सेमीफाइनल हुए सस्टो को 2024 तक निलंबन कर दिया गया। संजीता चानू ने डोपिंग चार्ज को मंजूरी दी। 2 बार राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक संजीता चानू 2.5 साल से अधिक समय में बाद डोपिंग में आरोप से मुक्त कर दिया गया है। केस को बंद कर दिया गया और IWU इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के आरोप लेने से फैसला किया गया। 22 जनवरी 2019 को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने अंतरिम निलंबन को हटा लिया गया था। MHA ने एक नई समिति का पुनर्गठन किया। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया। यह मामलों में राज्य मंत्री किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर में 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जिसके सदस्य होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉच।